आरपंत के ऊपर टूटा पहाड़। जब उन्हें पता चली कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, वो मैदान में फूट फूट कर रोने लगे। जब दिल्ली वर्सेस गुजरात का मैच हुआ जिसमें दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पहले बैटिंग करते हुए गुजरात ने 171 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो वो 157 रन ही बना सकी और दिल्ली ये मैच 14 रन से हार गया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। ऋषभ पंत का दिमाग मैच हारने के बाद तो खराब था ही, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है तो उनका दिमाग और खराब जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत की माँ बहुत ज्यादा बीमार हैं। ऋषभ पंत की माँ को कोविड हो चुका है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये बात कितनी सच है ये मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, ऋषभ पंत की माँ एकदम ठीक हो और वो अच्छे से काम सब कुछ कर रही हो। दोस्तों ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो बीमार है या नहीं, आप इस खबर को सच मत मान लेना। Are you all my personal dreams?